सोशल मीडिया पर आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें पानी में आग जलती दिखेगी या कहीं ऐसी जगह आग जलती दिख जाएगी जहां उम्मीद नहीं होती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भला आग कैसे लग सकती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सोनीपत के गांव फरमाना से, जिसे देख और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या मामला है, चलिए इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। दरअसल गाँव फरमाना में किसान हरिकिशन के घर में पिछले एक सप्ताह से अचानक किसी भी जगह पर आग लग जा रही है। आलम यह है कि लॉकर में रखे आभूषणों में सबसे पहले आग लगी, जिसके बाद देखते देखते घर में करीब 22 बार अलग अलग जगह पर आग लग चुकी है। क्या सोफा, क्या दूसरा फर्नीचर, सब अचानक लग रही आग की जद में आने लगे हैं और धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। ऐसे में अब चर्चा शुरू हो गई है कि आग बुझ क्यों नहीं रही। अब तक ये केवल पीड़ित हरिकिशन के परिवार को ही परेशान कर रही थी और अब ग्रामीण भी इससे डरने लगे हैं। ग्रामीणों ने हरिकिशन के घर से दूरी बना ली है, सब लेन देन बंद कर दिया है। गांव वाले सोच रहे हैं कि कहीं उनके घर से कोई सामान आज लिया तो उसमें भी आग न लग जाए। लिहाजा अब परिजन और ग्रामीण घर के बाहर पहरा देने को मजबूर हैं। इस बीच कोई इसे अंधविश्वास से जोड़ रहा है तो कई लोग वैज्ञानिक कारणों से पता लगाने की बात कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बताने के लिए काफी है कि घर में लगी आग के बाद क्या हालात बन गए हैं। सप्ताह भर पहले अलमारी के अंदर लॉकर में रखे आभूषणों में अचानक आग लगी थी, जिसमें चांदी के आभूषण पिघल गए। उसके बाद घर में करीब 22 बार आग लग चुकी है। आग से कपड़े, फर्नीचर और दूसरा सामान जल चुका है। हालांकि अभी तक आग लगने की घटना का कोई ठोस कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन पीड़ित परिवार बुरी तरह डरा हुआ है। यह आपको ये भी बता दें कि पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि उनके पास 8 भैंस हैं, जिनका दूध बेचकर परिवार का पालन पोषण हो रहा था, लेकिन अब 2 भैंस दूध दे रही हैं और ग्रामीण उनसे दूध तक नहीं लेकर जा रहे हैं। कुछ नहीं मान सकते जिसके ऊपर, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते इसके ऊपर। बिल्कुल पूरा परिवार दहशत में है। कितना नुकसान हो गया इसके अंदर? नुकसान तो पैसों का भी काफी नुकसान हुआ है। घर के अंदर जो पुरानी पुस्तैनी टुमे वगैरह रखी थी वो भी जलकर आग हो चुकी है। अलमारी बंद थी, लॉकर बंद था, बंद लॉकर के अंदर आग लगी है। जी बिल्कुल। क्या माना इसको, पहले कभी ऐसी घटना सुनी? नहीं जी, पहले कभी ऐसी कोई घटना नहीं सुनी। क्या तांत्रिक विद्या या कुछ हो सकता है? नहीं जी, इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते अभी तक। तो अभी तो खाली प्रसाद जी बिल्कुल दूध देना बंद कर दिया। 7-8 भैंसे हैं, जिसके अंदर से 4 भैंसों ने तो बिल्कुल दूध देना बंद कर दिया। और परिवार का जो काम चल रहा था वो दूध बेच कर ही काम चल रहा था। और जिस तरीके से भैंसों ने दूध देना बंद किया, बार बार घर के अंदर जो आग लगने का माहौल बन रहा है, उसकी वजह से सबसे बड़ी चीज, एक और परेशानी आ रही है, जो दूध लेने वाले थे उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया। परिवार के सदस्यों का कहना है कि रात को बच्चे सो जाते हैं तो परिवार के अन्य सदस्य नहीं सोते हैं और वे पहरा लगाते हैं। डर बना रहता है कि कहीं आग लगने से परिवार के सदस्यों को नुकसान ना पहुंचे। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह भी है कि जब आग लगी थी तो मोबाइल से वीडियो बनाने पर आग बुझ जाती थी, लेकिन अब वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है और आग भी जल रही है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से फॉरेंसिक की टीम बुलाकर जांच के लिए गुजारिश की है। हाँ की थी, जब फोन निकालते थे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती थी, जहाँ से हम फोन निकालते तुरंत बंद हो जाती थी। पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया? हाँ जी, और पड़ोसियों ने दूध भी बंद कर दिया लेना। सारे देना देना बंद नहीं कर दिया, पड़ोसियों ने दूध भी लेना बंद कर दिया। दहशत डर से आप घर का सारा सामान जल चुका है? हाँ जी। क्या क्या जला? ये हमारा सोफा जल गया, बेड जल गया, खाट जल गई, वो सोड़गू दड़े जल गए, सर टूम सार की जल गई, पैसे निकल जल गए और रह क्या गया। बहरहाल प्रशासन और गांव के लोग मिलकर इस मुसीबत से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होते तो नहीं दिख रहा है। खैर, इस खबर से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी हम आपके पास लाते रहेंगे। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।